नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमएड फर्स्ट सेमेस्टर की पेपर वन साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप भी एमएड कर रहे हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में है तो इतना सिलेबस आप कर लीजिए, मतलब जितने क्वेश्चंस आज की वीडियो में आपको बताए जाएंगे सिर्फ उतने क्वेश्चंस कर लीजिए और वो आपके लिए रहते हैं बिल्कुल इनफ। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे उन सभी का पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। कुछ इस प्रकार से हमारा टेलीग्राम हैंडल है और यहां से आपको इन सभी क्वेश्चंस का फ्री पीडीएफ मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं और सिर्फ इतने क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ में अगर आप विद आंसर्स इनका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, दैट इज अ पेड पीडीएफ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर है एमएड फर्स्ट सेमेस्टर पेपर वन का, डिस्क्राइब कॉलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। कॉलबर्ग की थ्योरी पे क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है, 100% आने वाला क्वेश्चन है ये एमडीयू यूनिवर्सिटी के अंदर। सो मेक श्योर आप इस क्वेश्चन को स्किप बिल्कुल ना करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू इज डिस्कस द रिलेटिव रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इन डिटरमाइनिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अलॉन्ग विद देयर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। अगेन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देखिए आपकी यूनिट में फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट टॉपिक, बहुत बेसिक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है। और अगर ये 16 में नहीं आता है, वैसे तो आएगा, नहीं आता है बाई चांस, तो आपको 4 मार्क्स में देखने को डेफिनेटली मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोटिवेशन, डिस्क्राइब द टाइप्स एंड मोटिवेशन साइकिल इन डिटेल। मोटिवेशन पे भी एक क्वेश्चन फिक्स्ड है, जनरली कॉन्सेप्ट, करेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, प्रिंसिपल्स, टाइप्स, मोटिवेशन साइकिल में से कुछ भी पूछ लेता है। बेसिकली थ्योरीज और मोटिवेशन साइकिल को करना इंपॉर्टेंट है, टू डोंट स्किप दिस, इसको जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज डिस्क्राइब द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप देखोगे वो हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट के रिलेशन में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्वेश्चन था, ये वाला प्योर क्वेश्चन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से है। इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको डेफिनेटली देखने को ज्यादा चांसेस है मिले। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस, डिस्कस गार्डनर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इन डिटेल एंड डिस्कस गिलफर्ड एसओआई मॉडल। देखिए गार्डनर थ्योरी एसओआई मॉडल में से किसी एक पे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये रहेगा और फर्स्ट पार्ट में मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस जनरली पूछा जाता है। सो आप दोनों थ्योरीज को 16 मार्क्स के हिसाब से, मतलब अच्छी खासी वेटेज के हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है, राइट? ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ पर्सनैलिटी, एक्सप्लेन असेसमेंट टेक्निक्स ऑफ पर्सनैलिटी और एग्जामाइन फ्रूइड्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। देखिए असेसमेंट टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी या फ्रूइड थ्योरी, सेकेंड पार्ट आपका इस तरीके से रहेगा और फर्स्ट पार्ट में कॉन्सेप्ट, नेचर, प्रिंसिपल, करेक्टरिस्टिक्स, पर्सनैलिटी के जनरली पूछ लेगा। कमिंग टू नेक्स्ट, देखिए जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं मैंने बहुत उम्दा तरीके से आपको जो आंसर्स का पीडीएफ दिया है उसमें दिए हैं। कोई बुक मत लो, कोई और मटेरियल मत लो, सिर्फ ये क्वेश्चंस कर लो और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ परचेज कर लो आप। उसमें सारे आंसर्स इजी लैंग्वेज में, पॉइंट वाइज, फ्लो चार्ट्स के साथ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना लिखना है उसी व्यू में दिए हुए हैं। तो उतना आप कर लोगे बहुत इनफ है, अच्छी खासी परसेंटेज के लिए डिस्टिंक्शन आराम से आ जाएगी, सारे क्वेश्चन कर लेते हो, प्लीज इनमें से कोई क्वेश्चन स्किप मत करिएगा, राइट? ओके, सो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज लर्निंग, डिस्कस द बिहेवियरल थ्योरीज ऑफ लर्निंग एंड देयर इंपॉर्टेंस अलॉन्ग विद एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। लर्निंग और बिहेवियरल थ्योरी पे क्वेश्चन आता है, लेट सपोज अगर बिहेवियरल थ्योरी पे नहीं आया तो स्पेसिफिकली सिर्फ लर्निंग पे क्वेश्चन आ सकता है कि लर्निंग क्या है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स, लेवल, फेजेस क्या है, इस तरीके से भी जनरल क्वेश्चन आ सकता है। तो लर्निंग का टॉपिक ब्रीफ में करिएगा प्रॉपरली। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज मोटिवेशन, हाउ डू टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन हेल्प इन टीचिंग लर्निंग। साथ में आपको मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और 8 आप देखेंगे ये सिमिलर क्वेश्चंस है, बट पूछने का तरीका अलग है, ठीक है, और कुछ पार्ट जो सेकेंड हाफ ऑफ द क्वेश्चन है वो अलग है।
सो इस तरीके से मोटिवेशन पे इन दो तरह से ही क्वेश्चन आएगा, हो सकता है दोनों क्वेश्चन को थोड़ा बहुत मिक्स कर दे, यहीं से ही बनेगा। इसके अलावा मोटिवेशन के बारे में और कुछ पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिएटिविटी इन एजुकेशन। क्रिएटिविटी पे भी एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट फिक्स होता है हर साल, लेट सपोज 16 मार्क्स में नहीं आया तो ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस में एज अ 4 मार्क्स आपका पूछा जाता है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडजस्टमेंट, एक्सप्लेन इन डिटेल द कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। देखिए यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एडजस्टमेंट और डिफेंस मैकेनिज्म, राइट। हो सकता है दोनों पे अलग अलग क्वेश्चन भी आ जाए, ठीक है। ज्यादा चांसेस होते हैं एडजस्टमेंट का क्वेश्चन 16 मार्क्स में आए, डिफेंस मैकेनिज्म का अभी तक तो 16 मार्क्स में इंडिविजुअली क्वेश्चन आया नहीं है, मिक्स होकर ही एडजस्टमेंट वाले के साथ 16 में आता है। या हो सकता है इन दोनों क्वेश्चंस को 4 मार्क्स में भी पूछ लिया जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है सिर्फ 16 के ही है, 4 में भी आ सकते हैं। आप प्रिपेयर 16 के हिसाब से करिएगा, स्पेशली एडजस्टमेंट वाले पार्ट को, तो ये इम्पोर्टेंट है, 16 मार्क्स में बिल्कुल आने के ज्यादा चांसेस हैं। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11, बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस यहीं तक आते हैं, 1 to 10, ये 10 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस है। इनमें से आपको इजीली 80% पेपर देखने को मिल जाएगा, लाइक थोड़ा बहुत लैंग्वेज ट्विस्ट हो सकती है, घुमा दिए होते हैं क्वेश्चंस, बाकी आएगा यहीं से, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, ये शॉर्ट नोट्स के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता रही हूँ, जो क्वेश्चन सिर्फ शॉर्ट नोट्स में ही पूछे जाते हैं 4 मार्क्स में। हो सकता है 16 वाला क्वेश्चन भी 4 के हिसाब से पूछ लिया जाए, राइट। बट यहाँ पे जो ये क्वेश्चंस हम पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे 11th क्वेश्चन के अंडर जो पार्ट्स हैं, ये सिर्फ शॉर्ट में ही पूछे जाते हैं, राइट। पार्ट्स हैं, ए से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, देन एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ मोटिवेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटेलिजेंस, आइंसिंग्स एल्पॉट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, एडोलेसेंस द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ, टॉलमैन्स थ्योरी ऑफ लर्निंग डेवलपमेंट, then assessment of intelligence, conflict management and socio-cultural theory of Vygotsky। देखिए Vygotsky वाला जो क्वेश्चन है, कई बार क्या होता है ना, 16 मार्क्स के क्वेश्चन को भी दो पार्ट में डिवाइड कर देता है ए बी, तो 8-8 मार्क्स में भी डिवाइड हो जाते हैं। तो हो सकता है ऐसा कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कोई सा पार्ट आपको 4 की जगह 8 में भी देखने को मिल जाए, या 16 वाला क्वेश्चन 8 मार्क्स में देखने को मिल जाए, ठीक है। तो आप अपनी प्रिपरेशन थोड़ा सा, मतलब उस चीज को पढ़ रहे हो तो सिर्फ इतना नहीं कि मैं एक पेज पढ़ दूं, प्रॉपरली आप जो है उसी ओरिएंटेशन में करिएगा उसको, कि लाइक पूरा उसका थ्योरी आप कवर कर रहे हैं, राइट। सो ये यहाँ पे क्वेश्चन रहते हैं, हमने सभी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, क्वेश्चन नंबर 11 तक टोटल ये थे, ठीक है। 1 to 10 आपके लॉन्ग वाले हो गए, वहीं से शॉर्ट भी बन सकता है, और 1 to 10 आपका ये हो गया, और 11th क्वेश्चन स्पेसिफिकली शॉर्ट वाला। And this is the complete important questions जो हैं आपके पेपर 1 के लिए। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आपको चैनल पे देखने को मिलती रहेगी। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, एंड इसका फ्री PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेगा हमारे, तो वहां पे जाके आप हमें जो है फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए यही अपडेट आप सभी को देना था, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, एंड कोई क्वेरी हो तो कमेंट करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।